नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हलिया थाना क्षेत्र के हलिया बाजार स्थित सोनकर बस्ती में 20 सितंबर को एक कार्यक्रम में भोजन करने के बाद बस्ती के आधा दर्जन बच्चों समेत 17 लोग फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए। उल्टी दस्त शुरू होने के बाद सभी मरीजों को उपचार हेतु आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में भर्ती करवाया गया। फूड प्वाइजनिंग के मरीजों की संख्या अधिक होने से स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की संख्या कम पड़ गई। पुरुष व महिला वार्ड में बेड कम पड़ जाने से स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। एक कार्यक्रम में भोजन की किसी सामग्री में खराबी के कारण लोग फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए। बुधवार की रात सोनकर बस्ती के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें कईयों को उल्टी और दस्त शुरू हो गई। परिजनों ने आनंद फानन में सभी को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां सभी को उपचार किया जा रहा है और सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए लोगों का हाल जानने के लिए ग्राम प्रधान से बाबू सेठ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर मरीजों के दवा इलाज आदि के सहयोग में लगे रहे और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से मरीजों के उपचार के संबंध में जानकारी ली। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जायसवाल ने बताया कि किसी कार्यक्रम में भोजन करने से सोनकर बस्ती के 17 लोग फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए हैं। सभी भर्ती मरीजों का उपचार किया जा रहा है, सभी की हालत सामान्य है। स्वास्थ्य केंद्र में पेड़ों की संख्या कम पड़ने के कारण चबूतरे पर भी लोगों का उपचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर मौजूद हूँ। हमारे सामने ग्राम प्रधान शिवबाबू सेठ जी खड़े हैं और हलिया में डायरिया का प्रकोप सोनकर बस्ती में बहुत तेज़ी से फैला है और रात से ही प्रधान जी हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर मरीजों को लाना, भर्ती कराना दवा इलाज के लिए। हाँ प्रधान जी, ये बताइए कि क्या दिक्कत है सोनकर बस्ती में और क्या अब यहाँ इलाज कैसे हो रहा है? इलाज समुचित अच्छे तरीके से हो रहा है और लोग मेहनत कर रहे हैं, फार्मासिस्ट और नर्स और बाकी सब मेहनत कर रहे हैं बराबर लगातार। और फूड प्वाइजनिंग का केस है, अच्छा, धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। अच्छा, लेकिन हम लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं मेहनत करके, जागरूक करके कि इसे कम किया जाए। अच्छा, क्या संख्या बढ़ रही है क्या? नहीं, अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। पर रात में तो भयावह स्थिति रही, रात में भयावह स्थिति रही, लेकिन अब धीरे धीरे सभी ने इतना मेहनत किया, सिविलियन भी, कर्मचारी भी, नर्स, प्रभारी सब ने मेहनत किया और इसकी वजह से रुक गया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती। अच्छा, तो दवा वगैरह समुचित व्यवस्था में यहाँ पर मौजूद है? नहीं, अभी समय पर्याप्त मात्रा में मरीज निकले हुए थे, मतलब जिसकी वजह से दवा का अभाव पड़ गया, तो हम लोग मार्केट से भी अवेलेबल करा रहे हैं और अभी DM साहब को अवगत कराया हूँ। CMO साहब का स्विच ऑफ जा रहा था मोबाइल, तो DM साहब को अवगत कराया हूँ कि हमारे यहाँ RL ख़त्म है, ENS ख़त्म है, तो जल्दी से वाटर की व्यवस्था की जाए ताकि मरीजों को समुचित इलाज किया जाए। मतलब आपका कहना यह है कि समुचित दवाएं यहाँ पर PSC पर मौजूद नहीं है इस समय? नहीं, इस समय ख़त्म हो गया, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा निकले हुए थे जिसकी वजह से। कितने पेशेंट हो गए प्रधान जी बताइए? इस समय तकरीबन दर्जन से ज़्यादा। हाँ, 40-45 कुल पेशेंट निकले हुए थे मिलाकर, टोटल। अच्छा, मौके पर 10-15 लोग हैं। अच्छा, इस समय क्या 20 लोग होंगे? 20 लोग। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि दवाएं खत्म हो गई हैं और दवाओं की यहाँ अभाव होने के कारण बाजार से परचेज करना पड़ रहा है। हाँ, बाजार से ले आ रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ, मंगवाने के बाद उनको दवाइयाँ करवा रहा हूँ। जी जी, तो आपका कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर दवाओं की उपलब्धता कराई जाए। हाँ, DM साहब को इस बात से अवगत कराया हूँ। चलिए, धन्यवाद सर।